सपा की तरफ से बीजेपी में लगातार सेंधमारी जारी थी, जिसका जवाब देते हुए बीजेपी ने यादव कुनवे में ही सेंधमारी कर सपा को करारा झटका दिया। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर खुशी ही जाहिर की और कहा, अच्छा हुआ बीजेपी में एक सपा विचारधारा का व्यक्ति पहुंच गया। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को अपनी पार्टी में शामिल कर बीजेपी नेता बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, लेकिन बीजेपी की इस खुशी पर उसके अपने ही सवाल उठा रहे हैं, जिससे बीजेपी में एक और बगावत होने के संकेत मिल रहे हैं। और ये संकेत मिले हैं बीजेपी सांसद संगमित्रा मौर्य के एक फेसबुक पोस्ट से। बता दें कि संगमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, जिन्होंने 14 जनवरी को बीजेपी का साथ छोड़ सपा का दामन थाम लिया था, जिसके बाद से कयास थे कि अब संगमित्रा भी बीजेपी छोड़ सकती हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन आज अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद संगमित्रा ने एक ऐसा पोस्ट साझा किया जिसने बीजेपी के खिलाफ उनकी नाराजगी को जाहिर कर दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, संस्कार शब्द अच्छा है, लेकिन संस्कार है किसके अंदर? हफ्ते भर पहले बेटी का पिता पार्टी बदलता है तो पुत्री पर वार हो रहा था। आज एक बहू अपने चचेरे भाई योगी जी के साथ एक पार्टी से दूसरी में आती है तो स्वागत, क्या इसको भी वर्ग से जोड़ा जाना चाहिए? बेटी मौर्य यानी पिछड़े वर्ग की है और बहू विष्ट यानी अगड़े वर्ग से है, क्या बहन बेटी की भी जाति और धर्म होता है? अगड़ा भाजपा में आता है तो राष्ट्रवादी, और वो वोट भाजपा को करेगा या नहीं इस पर सवाल खड़ा करना तो दूर सोचा भी नहीं था, लेकिन पार्टी में रहने वाला राष्ट्रद्रोही उसके वोट पे सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसा क्यों? कृपया सलाह ना दें, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मैं जहां हूं ठीक हूं। संगमित्रा के पोस्ट से साफ है कि उनके अंदर भाजपा के खिलाफ नाराजगी है, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।